हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ और किट्टू भी ठीक है। तो किट्टू को तो आप लोग देख ही रहे हैं, किट्टू लगा रहा है नेल पेंट। किट्टू के जो सारे शौक हैं वो है लड़कियों वाले, और ये हमेशा मेकअप करने की और ये सब चीज़, नेल पेंट और लिपस्टिक, ये इसको बहुत पसंद है। क्योंकि हमारे घर में कोई बॉयज़ तो ऐसे हैं नहीं, अब हमें ही देखता है और जो हम लोग करते हैं, मैं और मम्मी, तो सेम उसको भी लग जाती है कि मेरे को भी करना है। तो बच्चों को ज़्यादा नहीं पता होता है कि ये चीज़ किसके लिए बनी है। तो किट्टू लगा रहा है नेल पेंट और देखिए, एक हाथ पर उसने नेल पेंट अपनी फिनिश कर दी और बहुत अच्छी लगाता है, बिल्कुल भी गंदे नहीं करता है हाथ। भले ही बाकी चीज़ें गंदी कर देता है, टेबल गंदी कर दी, लेकिन अपने खुद के हाथ गंदे नहीं होने देता है। और अभी दूसरे हाथ पर वो नेल पेंट लगा रहा है। और किट्टू को ये बात पता ही नहीं थी कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाने का उसको पता चल जाता है तो वो फिर ना अलग अलग एक्टिविटी करने लगता है, वीडियो नहीं बनवाता है ठीक से। तो मैंने चुपके से बना ली, उसको लग रहा था कि बस मैं कैमरे से उसको लाइट दिखा रही हूँ, और वो अच्छे से नेल पेंट लगाता जा रहा था। तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बना लेते हैं। तो देखिए कैसे वो नेल पेंट लगा रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और किट्टू भी ठीक है। तो अब आज मैंने आप लोगों के साथ सुबह का जो मेरा रूटीन है वो शेयर नहीं किया है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बेटर फील नहीं कर रही थी और आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, क्योंकि मुझे गर्मी की वजह से ऐसे ही प्रॉब्लम होती है। तो आज सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा सफाई तो नहीं कर पाए थे और मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पाई। तो अभी मैंने सोचा है कि शाम के टाइम मुझे थोड़ा सा घर में गंदा सा महसूस हुआ, तो अच्छा नहीं लगता है जब गंदा गंदा महसूस होता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज शाम के टाइम मैं थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ, हल्की सी सफाई करती हूँ, क्योंकि जो मेरी बेडशीट थी वो भी गंदी हो चुकी थी, वो भी मेरे को चेंज करनी थी। तो मैंने यहाँ पर बेडशीट अभी ला कर रख दी है, अभी इसको चेंज करेंगे, थोड़ी सफाई करेंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहें और वीडियो को स्किप करके ना जाएं, और अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो अच्छी है या नहीं है। और प्लीज़ चलिए अब हम लोग आज का जो रूटीन है वो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद काम करेंगे। चलिए मैं कर लेती हूँ सबसे पहले अपने रूम की सफाई। यहाँ मैं सबसे पहले अपने बेड को साफ़ कर रही थी, क्योंकि आज मैंने बेड पर कपड़ा नहीं मारा था। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है जिस दिन मैं डस्टिंग नहीं करती हूँ। आज ना सुबह सुबह क्या हुआ कि गर्मी बहुत थी, बारिश के बाद से एकदम जो तेज़ वाली गर्मी होती है वो वाली गर्मी थी, तो इस वजह से ना आज मैंने अच्छे से डस्टिंग नहीं की थी। तो अभी मुझे फ़ील हो रहा था कि जो रूम है वो काफ़ी गंदा सा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि अभी मैं फ़्री हूँ तो मैं रूम की सफ़ाई कर लेती हूँ, और बेडशीट भी मेरे को चेंज करनी है। तो यहाँ मैंने बेडशीट उतार दी है और जो सफाई है वो स्टार्ट कर दी है। धीरे धीरे करके जितना होता जाएगा मैं उतना करती जाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी भी सर दर्द तो है, लेकिन फिर भी रात को ना लेटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर रूम में सफाई नहीं होती है, और गंदे में तो वैसे भी नींद नहीं आती है। तो मैंने बेडशीट अभी चेंज कर हुई नहीं है अभी, आप लोगों के सामने चेंज हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो भी मैं शूट कर लेती हूँ साथ में, क्योंकि घर में कोई था ही नहीं, अकेली थी तो मैं बोर हो रही थी। मैंने सोचा चलो सफाई कर लेते हैं और साथ में वीडियो भी शूट कर लेते हैं। तो बेडशीट मेरी चेंज हो चुकी है, आपको बेडशीट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मैं रूम में झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो यहाँ पर जो मेरी झाड़ू है वो लग रही है, इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा, क्योंकि गंदगी में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, किरकिर टाइप सा कुछ हो जाता है पैरों के नीचे। तो यहाँ मैं फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू, एक एक रूम की सफाई करूँगी, एक रूम में झाड़ू लगाऊँगी फिर साथ साथ पोछा लगा दूँगी, क्योंकि फिनिशिंग ना इससे जल्दी हो जाती है, और लगता भी है कि एक रूम फिनिश हो गया फिर सेकेंड रूम फिनिश हो जाएगा। अभी किट्टू गया हुआ है मेरी बुआ जी के घर पर, क्योंकि यहीं मेरे घर के पास ही मेरी बुआ जी रहती हैं। तो किट्टू क्या करता है शाम को रोज़ आजकल वहीं पर चला जाता है,
जब से मतलब मम्मी पापा की तबीयत ख़राब हुई थी तब से वो वहाँ पर जाना स्टार्ट हो गया है। आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी वॉइस ओवर करते हुए पुलिस की गाड़ी की, क्योंकि नीचे अभी जो पुलिस है वो गश्त पर है, तो इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करें। तो एक रूम की जो सफाई है वो मेरी हो चुकी है, और यहाँ पर जो डोरमेट मैं डालती हूँ वो मेरा डल चुका है। अभी मैं जाऊँगी बरामदे में और यहाँ की सफाई करूँगी, तो झाड़ू से मैं फटाफट लगा लेती हूँ, उसके बाद लगाऊंगी पोछा और फिर डस्टिंग। यही हमारा रोज़ का रूटीन रहता है, रोज़ रोज़ का यही सिस्टम है कि हम लोग ऐसे ही सफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ फटाफट से जो झाड़ू है इतना गंदा नहीं होता है शाम के टाइम, लेकिन ये है कि हाँ अगर गंदा है तो देखिए कूड़ा तो निकल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। तो घर में कोई नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो सफाई कर लेती हूँ, मैं थोड़ी सी गंदा महसूस हो रहा है। तो अभी जो है मेरी झाड़ू लग चुकी है और अभी मैं लगाऊंगी पोछा, मैं वाइपर से ही पोछा लगाऊंगी क्योंकि आज मेरी कमर में भी काफ़ी दर्द है। आप लोगों को लगता होगा कि मुझे रोज़ रोज़ कमर दर्द होता है तो कभी कभी हो जाता है, मैं लगा लेती हूँ अब वाइपर से ही पोछा। वाइपर से भी मैं काफ़ी अच्छे से लगा लेती हूँ, उससे भी मेरा गंदा नहीं रहता है। तो यहाँ मैं फटाफट से लगा लूँगी पोछा, उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ और काम, तो क्योंकि इसके बाद किट्टू आ जाएगा और किट्टू फिर काम वाम नहीं करने देता है, आज उसको थोड़ा सा स्टडी भी करानी है। तो जो सफाई है हमारी हो चुकी है और किट्टू आ गया और यहाँ कर रहा है किट्टू स्टडी। ये काम क्या कर रहे हो आप? ये कैसी पढ़ाई है मुझे समझ ही नहीं आई। नाइन है ये? नाइन पढ़ाई होती है, नाइन। अच्छा नाइन होती है? अरे नाइन नाइन पढ़ाई। अच्छा तो मुझे इसमें कहीं दिखाई तो दिया नहीं कुछ। हाँ, मैं तो दिखा दूँगा। दिखा दोगे? देख ये इसके अंदर क्या होता है। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर डोलमेन। हाँ? डोलमेन। कौन सी इंग्लिश बोलते हो आप, मुझे समझ नहीं आती। वो इसके अंदर वो होता है डोलमेन। डोरमैन? हाँ। डोरमैन क्या होता है? अरे वो वाले। कैसे वाला? कलर का। कलर वाला? हुँ. अच्छा किट्टू की बातें मुझे तो समझ ही नहीं आती। किट्टू नानी देखो, नानी हाथ। हाथ? नानी का हाथ? अरे नहीं मेरा हाथ है ये तो। आपका हाथ है? कहाँ है आपका हाथ? ये रहा मेरा हाथ है। अच्छा अब मैं लाओ, मैं बना के दिखाऊं आपको हाथ। मैं बनाऊं हाथ? अरे ये बना यहाँ पर, रुको यहाँ पर बनाती हूँ हाथ। हाँ मैं तो नहीं बना। देखो ऐसे बनता है हाथ। ये कितना बड़ा हाथ बन गया। अरे ये भी बनाओ। इसको चूड़ियाँ पहना दूँ क्या? हाँ, ये मम्मी का हाथ बना दूँ है ना? हाँ, ये मैं बना दूँगा। आप बना दो। ऐसे करके बनाओ। इसकी लग गई चोट? इसके कहाँ पर? चोट, चोट पे ये ली, ये ली। चोट है ये? हाँ ये दुख रहा है। दुख रहा है? अभी चोट पे ये लगा दो कलर। अच्छा गई गई। कर रहे हो वैसे ही आप? मैं उंगली बनाना पड़ी। उंगली बना रहे हो बड़ी वाली? अब छोटी बनाना।
आप छोटी बना रहे हो? अच्छा, कलर कर रहे हो क्या इसमें? मैं तो कुछ कर रहा हूँ। कुछ कर रहे हो? हाँ, एनी एनी बुला ले वो थोड़ा। देखो, इसका अंदर खून नहीं निकलेगा इसको? इसका अंदर खून नहीं निकलेगा। और क्या निकलेगा? कलर क्यों कर रहे हो इसको? अब तो इसको ये हार मान लेना। अब मैं हाथ पढ़ाऊंगा बोर्ड पढ़ा जा। अच्छा, ये आप ही बना दो। एक बड़ा आप बनाओ। मेरे से नहीं आ रहा। आपसे नहीं आ रहा? नहीं, आप बना दो। ये क्या है? किट्टू, आईज। आईज क्या है? मामा मैं अभी थोड़ा थोड़ा है। क्या है ये? आईज। वेरी गुड। इसमें मैं थोड़ा लिखा। ठीक है, अब कुछ और देखते हैं। दिखाओ। अब दिखाओ। तो हम मैं तो बहुत बड़ा सा हाथ बनाओ। बड़ा सा हाथ बना दो? हाँ। हटो। अरे यहाँ यहाँ। हाँ रुको। यहाँ तो पर। वाह, कितना बड़ा हाथ बनेगा। ये कौन है नानी? ये ना कुछ नहीं हो रहा है। रुको एक सेकंड। एक सेकंड रुको बेटा। मैं बना दूँगा। नानी। हाँ। मैं बना दूँगा। ये क्या है? अरे मैं तूने आपने ये कर लो। अच्छा, खराब कर दिया मैंने। सॉरी, आप ठीक कर लो। अबे ये तो इस पे एक कलर लेके पे कलर कर लो आप इस पे। अब तो बहुत हो जाएगा। बहुत मजा आएगा। तो जो किट्टू की पढ़ाई है वो लगभग फिनिश होने वाली है, क्योंकि हो गई है रात। मुझे जाना है किचन में। वैसे किचन का सारा काम तो फिनिश हो चुका है। दूध वगैरह मुझे गर्म करना है, तो यहाँ पर दूध मैंने रख दिया था पहले ही, और फिर मैं चली गई थी किट्टू को स्टडी कराने। तो दूध जो है मेरा उबल चुका है, और अब मैं अपने लिए बनाऊँगी पराँठे। तो यहाँ मेरे लिए बन रहे हैं दो पराँठे, और किट्टू भी खाएगा हमारे साथ में। तो आज की वीडियो को हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को लगभग यहीं पर एंड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए और हमारे साथ डिनर करें। तो डिनर में पराठे मतलब मेरे कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे ही रहते हैं। कई बार मुझे रोटी खाने का मन नहीं होता है, तो मैं फिर पराठे बनाती हूँ। तो और बनाया है साथ में राजमा। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए और हमारे साथ लंच करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।